सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है। शो की शुरुआत होगी उस सीन के साथ जिसमें दिखाया जाएगा कि गुंडे शाहनिवास का सारा सामान उठाकर रास्ते पर फेंक देंगे। लीला और बापूजी समेत बच्चे भी रोना शुरू कर देंगे। इसी दौरान मौसम बिगड़ जाएगा और लीला रोती हुई कहेगी कि अब हम कहां जाएंगे। ऐसे में अनुज कबाड़िया लीला, बा, किंजल, मीनू और बच्चों को आशा भवन में रहने का न्योता दे देगा। अनुपमा और अनुज के समझाने पर बिगड़ते मौसम और अपने हालातों को देखते हुए बा, बच्चे और किंजल मीनू शाह निवास में आ जाएंगे। हालांकि तोशु की अकड़ इतने पर भी कम नहीं होगी। वो कहेगा कि आशा भवन में रहे मेरी जूती। इस पर अनुपमा उसे करारा जवाब देगी और कहेगी कि तुझे आशा भवन में बुलाए मेरी जूती। वह पाखी, तोशु और डिम्पी समेत डॉली को भी सड़क पर ही बारिश में भीगता छोड़ देगी, लेकिन फिर उन्हें एक आखिरी मौका देते हुए पूछेगी कि छाता चाहिए या छत, सोच कर बता देना। बिगड़ते मौसम और अपने हालातों को देखते हुए मौका पर डिम्पी आशा भवन में आ जाएगी। आपके पीछे पीछे तोशु, पाखी और डॉली भी आश्रम में आ जाएंगे। आशा भवन में आते ही पाखी और तोशु के नखरे शुरू हो जाएंगे। कोई अपनी पर्सनल बाथरूम मांगेगा तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिकायत करेगा। तब अनुपमा उनसे कहेगी कि वर्तमान स्थिति याद दिलाएगी और बताएगी कि मॉल जाते हो तब भी पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो ना। वो सबको समझाएगी कि बच्चे स्थिति में भी कितने खुश हैं। अनुपमा पाखी तोशु और डिम्पी डॉली से साफ कहेगी कि जिसे इस आश्रम के नियम और शर्तें समझनी नहीं आती वो बिना देर किए यहाँ से निकल सकता है, लेकिन फिर वो लोग इस छोटी बड़ी चीज में नुक्स निकालने से बाज नहीं आएंगे। सिर्फ लीला माँ ही ऐसी होंगी जिन्हें बात का एहसास होगा कि उन्होंने आज तक आशा भवन वालों को अनुपमा को कितना बुरा भला कहा और खराब वक्त में भी वो उनकी मदद कर रही है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में अब ऊंट पहाड़ के नीचे आता साफ नजर आ रहा है, लेकिन क्या तोशु और पाखी आशा भवन में सुबह वक्त पर जागना, सभी के साथ सामंजस्य बनाकर रखना और बिना फैंसी सुविधाओं के साधारण जिंदगी जीना कर पाएंगे? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें अपकमिंग एपिसोड्स में मिलते रहेंगे। इसी के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।